किसानों को प्रधानमंत्री ने आज सौगात दी है और किस्त है ये जो जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि इस साल में 4 बार 2,000 रुपये की किस्त जाएगी, 3 बार ये किस्त जाएगी और इस तरीके से 6,000 रुपये किसानों को मिलेगा। आप में से भी जो किसान यहाँ बैठे होंगे, अगर मोबाइल देखेंगे तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई होगी कि 2,000 रुपये आपके जमा हो चुके हैं। सभी किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे 2,000 रुपये की 14वीं किस्त। जी हाँ किसान भाइयों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना और सही देखा। देखिए पीएम किसान योजना के तहत पीएम मोदी पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त जारी करेंगे, जिसके तहत करीब 8 करोड़ किसानों के खाते में 16,000 करोड़ रुपए की धनराशि पीएम मोदी डीबीडी के माध्यम से जारी करेंगे। देखिए यदि आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और आप चाहते हैं कि पीएम किसान योजना की जो 14वीं किस्त है आपके खाते में सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दिया जाए, तो आपको अपना वेरिफिकेशन करवा लेना है। देखिए जिन भी किसान भाइयों ने अपनी EKYC का वेरिफिकेशन करवा रखा है उनके खाते में पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त ट्रांसफर की जाने वाली है। देखिए आइए जानते हैं कि आखिरकार जो किस्त है पीएम किसान योजना की जो मिलेगी किन किसानों को मिलेगी और किन किसान भाइयों को नहीं मिल पाएगी। देखिए कुछ किसान ऐसे हैं जिनको 13वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है, तो उनको इस बार पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त के साथ ही 13वीं किस्त का लाभ दिया जा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि ये जो राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए तो आपको जल्द से जल्द अपना EKYC का वेरिफिकेशन करवा लेना है। देखिए आपको यह भी बता दें कि पीएम किसान योजना के जो सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं केवल पात्र किसानों को ही दिए जाते हैं। परापात्र होने के लिए आपको करना कुछ नहीं, आपके पास यानी कि 2 हेक्टेयर से कम भूमि होना चाहिए। यदि आपके पास ज़्यादा है तो आप इस योजना के पात्र नहीं हैं, आप इस योजना का गलत तरीके से फ़ायदा ना उठाएं, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आप यह मान के चलिए कि आपके खाते में पीएम किसान योजना की जो किस्त है अप्रैल महीने में ट्रांसफ़र की जाएगी, यानी कि अप्रैल महीने में आपके खाते में पीएम किसान योजना की किस्त का पैसा देखा जा सकता है। धन्यवाद।